सो गाइस, ट्रूक ने लॉन्च किया है अपना नया गेमिंग TWS। भाई कमाल का जो है ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में आज अपन इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो और साथ ही साथ एक क्विक सी अनबॉक्सिंग करूंगा आपको, इसका एक फुल मैं रिव्यू देने वाला हूं कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा है। इसका नाम है ट्रूक BTG X1 TWS। ये एक गेमिंग TWS है, जैसा कि आप इसके लुक से ही देख सकते हैं। सो भाई यहाँ पे भाई ये है इसका बॉक्स, जिसमें आपको इसका रेंडर मेंशनड है, यहाँ पे BTG X1 भी मेंशनड है, साथ ही साथ कुछ फीचर्स इसके मेंशनड है जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। सो भाई यहाँ पे जो है आपको डेफिनेटली काफ़ी कमाल का ये देखने के लिए मिलने वाला है। बॉक्स कुछ इस प्रकार का, साइड में यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स मेंशनड है जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, बैक साइड में भी आपको फीचर्स वगैरह मेंशनड है, बॉटम में आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स वगैरह है एंड क्या MRP वो देखने के लिए मिल जाएगा। 3499 की MRP आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। और बॉक्स कंटेंट्स क्या क्या देखने के लिए मिलेगा वो सब मेंशनड है, कस्टमर केयर की डिटेल है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती उसके लिए। और भाई यहाँ पे आपको इसमें 1 ईयर की वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। ये कुछ इस प्रकार का बॉक्स है, फटाफट से अपन इसको अनबॉक्स करते हैं, आपको देता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे कैसा लगा है। सो भाई जैसे ही आप इसे अनबॉक्स करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे TWS देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस प्रकार के पैकेट में। सो इसको मैं साइड को रख देता हूँ। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशंस देखने के लिए मिलेगा, इसका यूज़र मैनुअल है, यहाँ पे डिटेल्स इसमें आपको सब देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद है मेन वारंटी कार्ड, सो भाई ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद अपन आ जाते हैं मेन प्रोडक्ट पे, बट उससे पहले आपको बता दूं यहाँ पे आपको एक टाइप सी केबल, चार्जिंग केबल देखने के लिए मिल जाएगी। सो भाई ये कमाल की बात है, क्योंकि इस प्राइस रेंज के TWS में ज़्यादातर माइक्रो USB देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये दे रहे हैं टाइप सी। सो भाई ये काफ़ी अच्छी बात है, मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ ये लगी है। सो भाई यहाँ पे एक पॉइंट तो डेफिनेटली इसका बनता है। यहाँ पे अभी आ जाते हैं अपन मेन प्रोडक्ट पे, कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये है चार्जिंग केस इसका, सो इसको मैं निकाल लेता हूँ और आपको बताता हूँ ये मुझे कैसा लगा है। सो भाई ये चार्जिंग केस है भाई, इसकी क्वालिटी तो काफ़ी बढ़िया है, मैट फिनिश में आता है, मैट एंड ग्लॉसी का मिक्सचर है, बट मैट यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। पीछे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, मैट है तो भाई इसमें आपको स्क्रैचेस काफ़ी कम आएंगे। इसको मैं साइड को रख देता हूँ, बात करते हैं यहाँ पे अपन मेन TWS के बारे में। तो भाई इसके पहले मैंने इसको ऑन किया था तो ये ऑन है, सो इसको मैं निकाल के यहाँ पे साइड को रख लेता हूँ और ये सब चीज़ें मैं साइड कर देता हूँ। यहाँ पे अपन आ जाते हैं मेन TWS पे। सो भाई इसका जो डिज़ाइन एंड RGB लाइटिंग है ना यार, भाई एक नंबर है यार, लिटरली इसका जो लुक है ना, वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट इसका लुक आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस लुक की बात कर रहे हैं तो आपको ये बता दूं कि इसका जो लुक है आपको गेमिंग वाला लुक देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपके घर में गेमिंग सेटअप है तो वहां रख लिए, काफी कमाल का देखने के लिए मिलता है। बट भाई लुक ही तो भाई एक चीज है ना जो मैटर नहीं करती, और भी चीजें उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, बट भाई लुक तो यार इसका वन ऑफ द बेस्ट है। और जो इसका चार्जिंग केस है काफी बढ़िया है, काफी लाइट वेट है, और बट लाइट वेट होने से ऐसा नहीं है कि भाई आपको जो है इसका बैकअप कम मिलेगा, बैकअप के बारे में भी अपन आगे बात कर लेंगे। सो भाई इसका केस मुझे काफ़ी कमाल का लगा, काफ़ी तगड़ा लुक इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है RGB लाइटिंग के कारण। ये लुक मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको ऐसे लुक वाले TWS देखने के लिए नहीं मिलते। काफ़ी मस्त सा लुक इन्होंने इसको दिया है गेमिंग के लिए खासकर। अभी यहाँ पे अपन और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि भाई यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.2 देखने के लिए मिल जाता है फास्टर कनेक्टिविटी के लिए, जिसका कि आगे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। सो भाई अभी अपन और बात करते हैं इसके बारे में। तो भाई यहाँ पे आपको जो बैटरी बैकअप की बात कर ले, एक बार चार्ज करने पे आप अप टू 10 आवर्स इसको यूज़ कर सकते हो, विच इज़ अ अमेजिंग थिंग। जितना इसका वेट है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़ी बात है कि आप इसको इतने लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो एक बार चार्ज करने पे। इसके बाद भाई यहाँ पे आपको लो लेटेंसी देखने के लिए मिल जाती है 40 ms तक की। भाई कितनी लो लेटेंसी है इसके बारे में मैं आपको गेम खेल के, मोबाइल से कनेक्ट करके गेम खेल के आपको दिखाऊंगा, सो उससे एकदम बेटर तरीके से आपको पता लग जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में, तो भाई यहाँ पे आपको बिल्कुल मैग्नेटिक वाला यहाँ पे केस देखने को मिल जाता है, अंदर मैग्नेट्स लगे हैं, तो आप अपना TWS को रखोगे तो डायरेक्टली वो अटैच हो जाएगा। चार्जिंग भी आपको काफ़ी फास्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे आपको मिल जाता है टाइप सी पोर्ट। बाकी क्वालिटी इसके केस की मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है, इन हैंड में भी आपको काफ़ी बढ़िया ये लगने वाला है, लाइट वेट है, छोटा है, लेकिन भाई काम इसका बहुत मस्त है।
अभी यहाँ पे और भी चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं, जैसे कि भाई यहाँ पे इसके बारे में अपन बात करें तो आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी कैसे मिलती है। सो इसका मैं आपको ना लाइव एग्जांपल दूंगा। मैग्नेट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो चलो फटाफट से इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, इसको जो है सिंपली मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और उसके बाद निकाल के यहाँ पे साइड को रख देता हूँ। एंड यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कितने फास्ट यहाँ पे पॉपअप आ चुका है ट्रू बीट जी एक्स वन के TWS का। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम प्रोसेस रहेगा तो यहाँ पे आपको पेयर में क्लिक कर देना है, इंस्टेंटली ये पेयर हो जाएगा। बट भाई ये मैटर नहीं करता, यहाँ पे जो है आपका जब पेयर रहे उसके बाद क्या रहता है। तो भाई जैसे कि देख सकते हो, इसको मैं तुरंत ओपन किया एंड यहाँ पे जो है TWS को निकाल के साइड में रख लिया। विद इन 0.50 सेकेंड्स ये जो है कनेक्ट हो गया। तो देख सकते हो कितनी फास्टर कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.2 के साथ देखने के लिए आपको मिल रही है। अभी अपन गेम खेल के आपको बताते हैं कि भाई कैसा एक्सपीरियंस है। तो भाई मैंने यहाँ पे कर लिया है कनेक्ट TWS को और भाई यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी, जो कि भाई एक बैटल रॉयल गेम है। तो भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है लेटेंसी। सो भाई यहाँ पे जो है ना, मैं जब यहाँ पे फायरिंग कर रहा हूँ ना, तो भाई 1% भी मेरे को लेटेंसी देखने के लिए नहीं मिल रही है। मतलब यहाँ पे फ़ोन में मैं टच कर रहा हूँ, इंस्टेंटली मेरे को साउंड आ रहा है। सो भाई ये जो चीज़ें आपको दूसरे किसी TWS में देखने के लिए नहीं मिलता, इवन एयरपॉड्स में भी मैंने ट्राई किया ना भाई, इतनी तगड़ी लेटेंसी वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है। इतनी लो लेटेंसी वहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलती जितनी लो लेटेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। सो यस यार, मुझे काफ़ी इसने इम्प्रेस किया, खासकर गेमिंग के मामले में। भाई यहाँ पे मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं लग रहा है कि मैं वायर्ड ईयरफोन्स यूज़ कर रहा हूँ या फिर TWS। तो भाई अगर आपको वायर वाला झंझट नहीं पालना, एक बढ़िया सा TWS चाहिए गेमिंग के लिए खासकर, तो डेफिनेटली इसको ले सकते हो। अभी बात कर लेते हैं इसके TWS के बारे में। सो भाई यहाँ पे एक आपको नॉइस कैंसिलिंग माइक देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको नॉइस कैंसिल करने के लिए हेल्प करेगा। और यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। ऑल्सो ये प्लास्टिक का एंड बाहर से जो आपको मैट फिनिश देखने के लिए मिल जाता है, अंदर से ग्लॉसी है। तो मैट एंड ग्लॉसी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है, ब्लैक कलर में आता है। और भाई गेमिंग लेना ब्लैक इज़ दी बेस्ट कलर, एज यू ऑल नो। और भाई अभी बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। सो भाई इसकी जो साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना यार, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई एकदम सस्ते वाले ऐप यूज़ कर रहे हो। आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस, एक प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी इस TWS में। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ वन ऑफ द बेस्ट रहा है। सो भाई डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, इसे आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक परचेस करने का देखने के लिए मिल जाएगा। वंस अगेन भाई, इसके डिज़ाइन हुए यार, मतलब बहुत ही कमाल का ये डिज़ाइन लग रहा है यार, इस पे दिल आ गया इसके डिज़ाइन पे। सो यस यार, ट्रुक ने काफ़ी मेहनत किया है इसके R&D में। तो भाई यस, काफ़ी बढ़िया ये प्रोडक्ट मुझे लगा। डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ इसको लेने के लिए। परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। टाटा बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।